For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video. मैंने अभी तक नहीं देखा है, प्रोमोज देखा है, बट आई हैव डाउनलोडेड ऑल द एपिसोड्स ऑन ऑल्ट बालाजी, सो शुड यू, एंड आई एम गोइंग स्टार्ट वॉचिंग इट वेरी सून. बहुत प्राउड फील करती हूँ. इट्स नॉट जस्ट अबाउट समबडी बीइंग इन द गेटअप, इट्स एक्चुअली द यूनिफॉर्म. सो इट्स द यूनिफॉर्म फिल्स यू विद सो मच प्राइड, सो मच रिस्पेक्ट. एट द सेम टाइम इट मेक्स यू रियलाइज, जब आप सेफ और साउंड अपने घर में आराम की नींद सो रहे होते हो, देर आर पीपल हु आर फाइटिंग फॉर यू, एंड स्पेशली माई हार्ट गोज आउट इन बिग बिग सल्यूट टू ऑल द वुमेन हु आर सर्विंग द कंट्री, बिकॉज यू नो एनाटॉमिकली हम लोग वुमेन वी गेट टायर्ड लिटिल बिट ईजिली, वी आर इम्यूनिटीज आर एज नॉट एज स्ट्रांग एज मैन, बट वो सब मैटर नहीं करता उन सारी औरतों के लिए जो जो हमारे कंट्री को सर्व कर रही हैं इन वॉट एवर यूनिफॉर्म, वेदर इट्स आर्मी, वेदर इट्स एयरफोर्स, वेदर इट्स एनी वेयर. सो आई माई हार्ट गोज आउट फॉर देम, एंड आई ऑल आई हैव इज रिस्पेक्ट. मुझे नहीं पता कितना सच है मौनी, इसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? हो गई है, कंप्लीट हो गई जी. थैंक यू. मौनी जी, नागिन की सारी कास्ट यहाँ पर है और एक जी पांच दिन में जल्दी अनाउंसमेंट भी करने वाली है, कितनी नॉस्टैल्जिक फील कर रही है इस बारे में? नागिन के लिए तो इफ यू आस्क मी टू स्टार्ट टॉकिंग आई विल टेक द होल इवनिंग एंड द होल नाइट आई थिंक, बिकॉज इट्स अ शो वेरी क्लोज टू माई हार्ट, इट्स अ शो दैट हैज गिवन मी एवरीथिंग. एकता मैम हु इज लॉन्च्ड मी इन द इंडस्ट्री, एंड माई एंटायर जर्नी हैज़ प्रिटी मच बीन विद बालाजी, लाइक द हाईलाइट्स ऑफ माई करियर हैज़ बीन विद बालाजी. सो इट्स अ वेरी स्पेशल शो, एंड आई वॉन्टेड टू कीप डूइंग वेल सीजन आफ्टर सीजन. मैं विश करती हूँ कि इस बार भी वो नंबर वन शो रहे और हर साल वो बेस्ट शो, और मुझे इस पर कोई शक नहीं है, बिकॉज आई नो दैट. और अच्छाई भी ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बिकॉज इट्स साउंड्स बेटर अगर आप लोग या फिर ऑडियंस एक शो को सराहे और उसके बारे में अच्छा बोले, खुद का अच्छा बोलना अच्छा नहीं लगता इसलिए. बट फॉर दिस शो इट इज़ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शो फॉर मी, एंड आई नो दैट इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट शो फॉर द होल न्यू कास्ट एंड द न्यू टीम फॉर दिस सीजन, एंड इट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग. लेकिन नागिन की अगर बात करें तो नागिन जब 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 नाम आता है तो आप ही वो लोग याद करते हैं जी, सारे आपके फैंस और ऑडियंस भी नागिन की जो है वो उनके लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट होगा, हमारे लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है, ये किसी और को इस रूप में देखना, तो क्या कहेंगे उसके लिए? आई यू नो मेरा सच में मानना है कि एक्टर एंड एक्ट्रेस दे so they become it's the show that makes them, and it's not the other way around. आपका बहुत आपका योगदान हो सकता है, एक एक्टर का योगदान हो सकता है एक शो के प्रति, बट इट्स एक्चुअली द शो दैट मेक्स द कैरेक्टर, दैट मेक्स द एक्टर, इट्स द राइटिंग. सो अगर विच आई एम श्योर, विच आई नो फॉर अ फैक्ट दैट इट इज, दैट इज समथिंग दैट यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट बालाजी टेलीफिल्म्स मैम एकता कपूर टू डू. सो जब आपको स्टोरी पसंद आएगी तब आप क्यों नहीं देखोगे? अगर आपको फर्स्ट एपिसोड की स्टोरी अच्छी लगी तो आप सेकंड भी आओगे देखने के लिए वापस, और थर्ड भी देखोगे. आई स्टिल रिमेंबर नागिन वन में हमारी एक स्क्रीन प्ले खत्म होती थी, एंड वी वॉन्टेड टू नो वॉट इज हैपनिंग इन द सेकंड एपिसोड. सो आई एम श्योर दिस टाइम ऑल्सो इट्स गोइंग टू बी द सेम. सो एंड टू ऑल ऑफ यू हु हैज गिवन मी सो मच लव एंड ऑल माई फैंस, आई वुड ओनली रिक्वेस्ट टू वॉच दिस सीजन एंड गिव दिस सीजन एज मच लव एज यू हैव गिवन मी. थैंक यू. थैंक यू.